हेलो एमएसपीएंस, हाउ आर यू? हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पता है, अपन ने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इन सबको पढ़ा। इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आपको बेसिक एक बार रिवाइज कराता हूँ। उसके बाद अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे 12th के फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अगर ये कार्बन नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं होती। कार्बन में सर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने? तो वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ बल्कियर कंपाउंड्स एंड दीज बल्कियर कंपाउंड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन ऐसा क्यों कर पाया? बिकॉज कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और वाई कैटिनेशन कार्बन के अंदर ही क्यों होता है, नाइट्रोजन वगैरह में क्यों नहीं होता? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है और कार्बन कार्बन से अटैच होकर लार्ज बल्कियर कंपाउंड्स बना सकता है। और इतने सारे कंपाउंड्स बन गए कि हमें इन सब को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनानी पड़ गई और उस ब्रांच का नाम हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ब्रांच का नाम हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये सब मैन कार्बन की वजह से है। तो पहली बात कि कार्बन में ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बने? तो वो थी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की। और कैटिनेशन कार्बन में ही क्यों हो रहा था? ड्यू टू मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैक्सिमम एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम कैटिनेशन को इशू करता है तो वो कार्बन है, ड्यू टू मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इट मींस उसके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होंगे? नंबर ऑफ आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ कितने होते हैं? 4। इसका मतलब कार्बन जो कितने मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है कार्बन की? कार्बन की वैलेंसी हो सकती है 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 4। तो हम कार्बन की वैलेंसी को कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो सकती है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी जो थी वो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। क्यों 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपने देखा कि कार्बन 6 था, 1s2 2s2 2p2, और 1s2 2s2 2p2 मीन्स यहाँ पर हमारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब कार्बन जो है वो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी शो करेगा? वो वैलेंसी कितनी होगी? वो इक्वल्स टू होगी 4। अब कार्बन की 4 वैलेंसियों को अपन 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि इस तरीके से कर सकते हैं कि पहली कंडीशन के अंदर की 1 sigma 2 3 4 की हमने कार्बन के चारों तरफ 4 sigma बॉन्ड लगाए, 4 sigma बॉन्ड से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर ये हो सकता है कि साहब एक डबल बॉन्ड लग जाए, 2 sigma बॉन्ड लग जाए, 2 sigma लग जाए और एक डबल बॉन्ड लग जाए, ये हो सकता है। थर्ड कंडीशन में ये हो सकता है कि कार्बन के दोनों तरफ क्या हुआ है, 2 sigma और 2 double बॉन्ड, यानी ये जो था सिग्मा बॉन्ड और ये था पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ ये हो गया कि साहब 1 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और 1 क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से हम कार्बन की वैलेंसी को 4 वैलेंसी जो 4 होती है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी के बाद में हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की। आपको याद आ रहा होगा एल्काइल ग्रुप्स में, एल्काइल ग्रुप से भी पहले हम आपको बात बता दूँ जो एकदम नॉर्मल बात थी कि अगर हम 1 carbon होता था तो 1 carbon के लिए यूज़ करते थे प्रीफिक्स मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आपने देखा था अपन ने यूज़ करते थे। तो अपन किस तरीके से यहाँ एल्काइल ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो एल्काइल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखिए एल्काइल ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास CH4 है, एक मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास वो हमारी मीथेन है,
सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इस मीथेन के अंदर आप देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये मीथेन है लास्ट में क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन मैं इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, हटा दूँ यहाँ पे और वैकेंट वैलेंसी रह जाए, इफ़ हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड और वैकेंट वैलेंसी यहाँ पे हो जाए, इस वैकेंट वैलेंसी पे कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, मान लीजिए वो हैलोजन हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो अपन इसको क्या कहेंगे, तो CH3 वैकेंट वैलेंसी का नाम क्या होगा, क्योंकि CH4 मीथेन जो होता है वो CH4 को कहते हैं, लेकिन CH3 वैकेंट वैलेंसी को अपन मीथेन थोड़ी कहेंगे, क्योंकि CH3 वैकेंट वैलेंसी आ गई, या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि एक कार्बन लगा के वैकेंट वैलेंसी लगा दिया, क्योंकि कई स्ट्रक्चर्स में ऐसे आता है पूछ लेते हैं कि आपको इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहीं बच्चे सोचो कि सर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, पूरी है क्योंकि कार्बन जो है उस पर तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो जो दिखाई नहीं दे रहे, तो वन कार्बन वैकेंट वैलेंसी के लिए नाम क्या होगा, तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, मैथ, वैकेंट वैलेंसी आ गई तो वैकेंट वैलेंसी के लिए जो अपन सफिक्स यूज करेंगे वो होगा इल, तो एक कार्बन वन कार्बन की वैकेंट वैलेंसीज के इसको एल्काइल ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप, यानी CH3 ग्रुप जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल, आपको याद आ रहा होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर मान लीजिए दो कार्बन से हो तो इस तरीके से अपन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे, अगर मान लीजिए टू कार्बन आ जाए, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 एक वैकेंट वैलेंसी आ गई, अपन इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि CC और एक वैकेंट वैलेंसी आ गई, तो हम इसको क्या कहें, तो दो कार्बन आ गए और वैकेंट वैलेंसी आ गई, तो हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, टू कार्बन के लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एथ, और वैकेंट वैलेंसी आ गई तो इथाइल, यानी CC वैकेंट वैलेंसी को हम क्या कहेंगे, इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 की बात करेंगे, फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड, 3 कार्बन्स में हम बात करें तो 3 कार्बन्स में हम दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, दो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए पहला स्ट्रक्चर आप देखिए कि तीनों के तीनों कार्बन हैं और वैकेंट वैलेंसी हैं और एक लीनियर चेन में है, और इस लीनियर चेन में दूसरे स्ट्रक्चर्स में, थर्ड के फर्स्ट स्ट्रक्चर में, थर्ड के सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखिए मैंने टर्मिनल के पास वाले कार्बन पर एक सब्सटेंट लग दिया, वन सब्सटिट्यूएंट इज अटैच विद द नियरेस्ट कार्बन टू टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे, टर्मिनल के नियरेस्ट कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, अपन इसको नॉर्मली बोलते भी हैं कि आपने ध्यान आया होगा क्लासेस में मैंने बोला भी था कि टर्मिनल के पास वाले पे एक झंडू लगा दें, अगर टर्मिनल के पास वाले पे एक झंडू लगा दें तो प्रीफिक्स क्या यूज़ होता था, आइसो, और टर्मिनल के पास वाले पे दो झंडू लगा दें तो प्रीफिक्स क्या यूज़ होता था, नियो। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स दोनों डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एक साइड चेन आ गई, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, अगर ये लीनियर चेन है तो इसको बोलेंगे N मीन्स नॉर्मल और N प्रोपाइल। इल क्यों बोला, वैकेंट वैलेंसी है। प्रॉप क्यों बोला, क्योंकि तीन कार्बन के लिए प्रॉप यूज़ किया जाता है। और एन क्यों बोला, क्योंकि लीनियर चेन है, तो इसका नेम क्या हुआ, एंट्रोपाइल। इफ़ वन सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच ऑन साइड चेन नियरेस्ट टू टर्मिनल, अगर टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और वैकेंट वैलेंसी लास्ट कार्बन पे है, तो अपन इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आइसो। आइसो क्यों यूज़ किया, क्योंकि टर्मिनल के पास वाले पे सब्स्टिट्यूएंट है। फिर नंबर ऑफ कार्बन पूरे काउंट करो, 1 2 3, तो आइसो, प्रॉप और वैकेंट वैलेंसी है, इसलिए इल। आप समझ रहे हैं, ये वैकेंट वैलेंसी है जहाँ पे एक वैलेंसी है कुछ भी जुड़ सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं H जोड़ देता तो ये प्रोपेन हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनके स्ट्रक्चर्स भी लिखे हैं कि CH3 CH2 CH2 लगाएं तब भी वही एन प्रोपिल होगा, यहाँ पर लगाएं तो भी आइसो प्रोपिल होगा, यानी तीन कार्बन के दो एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। अगर कार्बन नंबर 2 है तो एक ही बनेगा इथाइल, कार्बन नंबर 1 है तो एक ही बनेगा मिथाइल, 2 पे एक बनेगा इथाइल, अगर कार्बन नंबर 3 है तो हमारे पास बनेंगे 2, एन प्रोपाइल और आइसो। एन और आइसो में डिफरेंस क्या हुआ, अगर लीनियर चेन है और लास्ट कार्बन पे वैलेंसी है तो एन होगा नॉर्मल, और अगर टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे आइसो। इसके बाद टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे आइसो। इसके बाद जब हम 4 कार्बन की बात करते हैं, कार्बन नंबर 4 के लिए, कार्बन नंबर 4 के एल्काइल ग्रुप्स के लिए जब हम बात करते हैं तो आप देखिए 4 कार्बन में क्या है, पहला देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने देखा लीनियर चेन है, दूसरे में देखो आप फर्स्ट सेकंड वैकेंट वैलेंसी लगी हुई है, फिर देखिए यहाँ टर्मिनल के पास वाले पे सब्स्टिट्यूएंट पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर आप देखिए टर्मिनल के पास वाले पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, लेकिन वैकेंट वैलेंसी लास्ट कार्बन पे नहीं है, वैकेंट वैलेंसी किस कार्बन पे है, वो 2 डिग्री पे है या 3 डिग्री पर है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि CCCC, तो हम क्या कहें, 4 कार्बन है लास्ट पर आ रहा है तो हम इसको कहेंगे एन
प्रोपाइल, क्या कहेंगे एन प्रोपाइल। यहाँ पे दूसरा देखिए एन प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी, सॉरी एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल चार कार्बन है, एन ब्यूटाइल। अगर मान लीजिए टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे एक सब्सिट्यूएंट लग गया, तो आपने कब को बताया था हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, आइसो ब्यूटाइल, कौन सा आइसो ब्यूटाइल। अगर टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे देखो, अब वैकेंट वैलेंसी यहाँ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ वैकेंट वैलेंसी लास्ट कार्बन पे थी, जबकि यहाँ वैकेंट वैलेंसी किस कार्बन पे है, टू डिग्री कार्बन पे, समझ रहे हैं आप, टू डिग्री कार्बन, क्योंकि टू डिग्री कार्बन वैकेंट वैलेंसी, वैन वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन टू डिग्री कार्बन, देन वी यूज प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो अपन इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटेल, तो हम इसको सेकेंडरी ब्यूटेल कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि वैकेंट वैलेंसी जो थी, यहाँ पे आप गलती से बच्चे कई आइसो कर देते हैं, आइसो नहीं करना है, कि टर्मिनल के पास वाले पे सब्सिट्यूएंट तो है लेकिन वैकेंट वैलेंसी जो है वो थ्री डिग्री कार्बन पे है। अगर यहाँ वैकेंट वैलेंसी होती, यहाँ होती तो हम आइसो कहते हैं, वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन थ्री डिग्री कार्बन, तो अपन क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटेल, क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटिल। तो इस तरीके से हम फोर कार्बन के जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको अपन ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फाइव कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हम फाइव कार्बन की बात करें, फाइव कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स के लिए, देखो आप कैसे, कि हमने कहा कि हमने फोर कार्बन के लिए बात करी, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और उसके बाद में टर्शरी ब्यूटाइल। अगर हम फाइव कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो फाइव कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स में क्या है, सबसे पहले आप देखिए फाइव कार्बन की लीनियर चेन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, स्ट्रेट चेन हो गई, तो स्ट्रेट चेन हो गई तो अपन क्या लगाएंगे, एन, और फाइव कार्बन है तो ये हो जाएगा एन पेंटाइल, ठीक है। इसके बाद में आप सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए, सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हैं, और यहाँ देखिए टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे सब्सिट्यूएंट आ गया, सब्सिट्यूएंट अटैच ऑन नियरेस्ट कार्बन टू टर्मिनल, देन वी कैन यूज आइसो प्रीफिक्स, वी कैन यूज आइसो प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। इसके बाद देखिए आप कि यहाँ पे लीनियर चेन है, लेकिन लास्ट कार्बन पे अगर वैलेंसी होती तो हम एन कहते हैं, बट वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन टू डिग्री कार्बन, इफ वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन टू डिग्री कार्बन देन वी कैन से सेकेंडरी। लेकिन आप थर्ड और फोर्थ दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में भी वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन टू डिग्री कार्बन, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ होगा क्या, कि इट इज कायरल कार्बन, इट इज़ कायरल कार्बन, वाई, बिकॉज वैकेंट वैलेंसी पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगाए, इधर एक ही ग्रुप है, इधर तीन कार्बन का ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता, तो ऑल फोर ग्रुप आर डिफरेंट, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिव वर्ड को, एक्टिव वाई बिकॉज दिस कार्बन इज कायरल, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इट इज़ नॉट कायरल, वाई, बिकॉज दोनों तरफ ये ग्रुप सेम आ गए। अपन कहते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है, दोस कार्बन विच अटैच विथ फोर डिफरेंट ग्रुप नॉन एज कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए वन मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे कोई भी आप OH ग्रुप जोड़ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आप क्या हुआ, प्रोपाइल आ गया, तो ग्रुप अलग हो गया, तो अपन यूज करेंगे एक्टिव एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव वर्ड अपन ने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन था, इसलिए हमने एक्टिव वर्ड को यूज किया। अब यहाँ देखो कि वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट जिस कार्बन पे है, इट इज़ टू डिग्री कार्बन, क्यों, वाई, बिकॉज इट इज़ टू डिग्री कार्बन, वाई, बिकॉज अटैच विथ टू टू कार्बन्स, तो अपन यहाँ पे केवल सेकेंडरी ब्यूटाइल की जगह क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, एक्टिव नहीं लगाएंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी क्यों लगाया, क्योंकि वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन टू डिग्री कार्बन, और पेंट क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन फाइव और वैकेंट वैलेंसी है इसलिए ये। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा ये आ गया, इसको हम आइसो नहीं कह सकते, आपने कहा टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, अपन आइसो नहीं कह सकते, क्योंकि वैकेंट वैलेंसी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वैकेंट वैलेंसी लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट होती तो हम आइसो कह सकते थे, लेकिन वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन थ्री डिग्री कार्बन, ये थ्री डिग्री कार्बन है, वाई, बिकॉज इट इज़ अटैच विथ थ्री कार्बन, वन टू थ्री, तो थ्री कार्बन से अटैच है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी, क्या बोलेंगे, टर्शरी
ब्यूटर्शरी पेंटाइल, पेंटाइल क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन 5 है एंड वैकेंट वैलेंसी इज यूज, तो अपन क्या कहेंगे टर्शरी पेंटाइल। इसके बाद हमारा इसका लास्ट स्ट्रक्चर देखिए नंबर ऑफ 5 कार्बन्स के लिए कि टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे दोनों तरफ सब्सिट्यूएंट आ गया। इफ़ टू सब्सिट्यूएंट आर अटैच्ड द नियरेस्ट कार्बन टू टर्मिनल देन वी कैन से न्यू प्रेफिक्स इज यूज। ठीक है, न्यू प्रेफिक्स, यहाँ पे टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे दो दो सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं। अच्छा, न्यू बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए 5, आइसो बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए 3, सेकेंडरी बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए 4, टर्शरी बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए 4। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यू बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए 5, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनल के पास वाले कार्बन पे टू टू सब्सटीट्यूएंट आर अटैच, तो अपन यूज़ कर सकते हैं नियो पेंटाइल। क्या यूज़ कर सकते हैं? नियो पेंटाइल। इस तरीके से अपन इनके अल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो एक बार हल्का सा अपन रिवाइज करवा देते हैं कि कौन कौन से हमारे अल्काइल ग्रुप्स जो थे वो बने थे जिनके बेस पर ये होता है। हमने हल्का सा पहला कार्बन, एक कार्बन का फर्स्ट कार्बन का जो ग्रुप था उससे बना 1 कार्बन वैकेंट वैलेंसी मिथाइल, 2 कार्बन वैकेंट वैलेंसी इथाइल। इफ़ नंबर ऑफ कार्बन इज 3 तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। एन मीन्स लीनियर चेन, आइसो मीन्स सब्सिट्यूएंट अटैच टू द नियरेस्ट कार्बन ऑफ टर्मिनल कार्बन। ठीक है, उसके बाद अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं तो इसके चार टाइप के अल्काइल ग्रुप्स बन सकते हैं, और वो चार टाइप के कौन कौन से हैं? एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मीन्स वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन, देन टर्शरी प्रीफिक्स इज यूज। When vacant valency present on 2 degree carbon, then secondary prefix is used. And when vacant and substituent is attached on the nearest carbon to terminal carbon, nearest carbon of terminal carbon, then iso prefix is used. And when linear chain is available and vacant valency present on last carbon, then we can use N prefix. इसी तरीके से 5 carbon के लिए use कर सकते हैं N pentyl, आइसो पेंटाइल, एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन क्यों है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने Cl लगा दिया। तो आप खुद देखो ये जो कार्बन है इस पे चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, इसीलिए एक्टिव ग्रुप हो गया। एक्टिव हो गया तो हमने इसको क्या कहा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल तो इसलिए है कि बिकॉज वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन है। एक्टिव इसलिए बिकॉज द कार्बन इज कायरल कार्बन। इफ कायरल कार्बन देन एक्टिव एक्टिव प्रीफिक्स इज यूज। यहाँ देखिए वैकेंट वैलेंसी कार्बन पे वो 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ग्रुप इथाइल सेम है, इसलिए हमने एक्टिव वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने कहा सेकेंडरी पेंटाइल। यहाँ पे देखिए वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री, कई बच्चे यहाँ गलती से आइसो कह देते हैं, लेकिन आइसो होने के लिए वैकेंट वैलेंसी यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं है, वो 3 डिग्री पर है, तो टर्शरी पेंटाइल। अगर वैकेंट वैलेंसी लास्ट कार्बन पे है बट टू सब्सिट्यूएंट आर अटैच टू द नियरेस्ट कार्बन ऑफ टर्मिनल कार्बन, बिकॉज ये टर्मिनल है, इसके नियरेस्ट ये है, इस पे दो सब्सिट्यूएंट यूज हो गए, तो नियो। तो नियो बनने के लिए मिनिमम कार्बन जो है वो कितने चाहिए 5 चाहिए। आइसो बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए, आइसो बनने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन जो चाहिए होते हैं वो 3 चाहिए होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी बनने के लिए 4 कार्बन चाहिए। तो इस तरीके से अपन मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो पेंटाइल और नियो पेंटाइल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत काम की होती है, क्योंकि जब हम अभी चैप्टर आगे कैरी ऑन करेंगे तो उसमें आपको इन ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स और भी हैं जिन स्पेसिफिक ग्रुप्स को हमें ध्यान में रखना है, कि हमें इनको पता रखना होता है कि इस तरीके से इनके नेमिंग आएगी, कि CH2 डबल बॉन्ड CH का जो कॉमन नेम होता है IUPAC नेम में तो हम इनको अलग बोलते हैं, लेकिन इनको कॉमन नेम में आ जाता है। जैसे आपको कह दिया कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड, तो आपको विनाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो विनाइल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, वैकेंट वैलेंसी अगर आती है तो हम इसको बोलते हैं विनाइल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, वैकेंट वैलेंसी को हम बोलते हैं विनाइल। इसी तरीके से 3 कार्बन आ जाए,
डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे वैकेंट वैलेंसी और डबल बॉन्ड इज अल्टरनेट, ठीक है। तो हम इस वैलेंसी को बोलते हैं एलएल। आपने नाम सुना होगा एलएल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड। अगर हमें विनाइल क्लोराइड बोलेंगे तो हम यहाँ सीएल लगा देंगे। हमें एलएल ब्रोमाइड बोलते हैं तो हम वैकेंट वैलेंसी पे क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड। तो एलाइल बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3। अगर मान लीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट पोजीशन पे हो, ट्रिपल वैलेंसी और वैकेंट, ट्रिपल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो हम इसको बोलते हैं प्रोपारजिल। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपारजिल। अगर डबल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट पोजीशन पे आ रही है तो एलिल। अगर मान लीजिए ये देखिए आप, ये बेंजीन की रिंग थी, बेंजीन की रिंग थी और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था, क्योंकि बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन की रिंग पर हाइड्रोजन अटैच था, आपने उस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पे इस रिंग को अपन क्या बोलेंगे, फेनिल। क्या बोलेंगे, फेनिल, और इसको हम एरिल भी बोल सकते हैं, एरिल, फेनिल और एरिल। इधर देखिए बेंजीन की रिंग के साथ CH2 ग्रुप को अटैच कर दिया, तो ये बन जाएगा बेंजाइल, बेंजाइल। यहाँ पे 1 वैकेंट वैलेंसी है, इफ़ 2 वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट ऑन कार्बन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ गया, 2 वैकेंट वैलेंसी प्रेजेंट हो गई, तो हम इसको बेंजाइल, बेंजल। और इफ 3 वैकेंट वैलेंसी आर प्रेजेंट दो, हम इसको बोल सकते हैं बेंजो, बेंजो, ठीक है। बेंजो क्लोराइड अगर आता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे तीनों पे आ जाएगा बेंजाइल, 1 कार्बन के लिए, 2 के लिए बेंजल, 3 के लिए बेंजो। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी जो है वो अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट है, बट नंबर ऑफ कार्बन 4 है ना। तो हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को बोला जाएगा क्रोटाइल। क्या बोला जाएगा, क्रोटाइल। अगर मान लीजिए इस तरीके से आ जाए कि बेंजीन के साथ में सी डबल बॉन्ड, सी वैकेंट वैलेंसी आ जाए, तो इस अल्काइल ग्रुप का नेम है सिनेमाइल। क्या नाम है, सिनेमाइल। तो हमें इन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ग्रुप हमें पता होता है तो हम स्ट्रक्चर्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वाला विनाइल, विनाइल के बाद एलिल, एलिल के बाद प्रोपारजिल, प्रोपारजिल, प्रोपारजिल के बाद फिनाइल, फिनाइल के बाद बेंजाइल, बेंजाइल के बाद बेंजल, बेंजल के बाद इफ 3 वैकेंट वैलेंसी आर प्रेजेंट ऑन कार्बन, बेंजो प्रीफिक्स इज यूज, इफ 2 बेंजल, 1 बेंजाइल। यहाँ पे डबल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट है, बट नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो क्रोटाइल यूज करते हैं, क्रोटाइल अल्कोहल, है ना। और इफ यहाँ पे बेंजीन के रिंग के साथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस की कंडीशन में आ रहे हैं, और इस प्रिफिक्स, इस ग्रुप के लिए जो यूज होता है अल्काइल ग्रुप, वो होता है सिनेमाइल। क्या होता है, सिनेमाइल, ठीक है। इसके बाद में, इन ग्रुप्स के बाद में एक हल्का सा रिवीजन अपन बात कर देते हैं कुछ फंक्शन ग्रुप की, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप थे, उनके सिंबल क्या हैं, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, उनका UPSC परफॉर्मा कैसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से देखते जाइए, मैं इनके लिए बताता हूँ। जैसे अल्कोहल आ गया, तो आपने कहा साहब अल्कोहल का सिंबल क्या है, OH, ठीक है। अल्कोहल का सिंबल OH होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, OH, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। इसका UPSC परफॉर्मा क्या होता है, UPSC परफॉर्मा आपको याद आ रहा होगा जब हमने 11th में पढ़ा था कि UPSC परफॉर्मा यानी अल्कोहल का जब हम UPSC नेम देते हैं, तो नेम देने का तरीका था कि सबसे पहले हम जितने भी कार्बन होंगे उनकी एल्केन बना लेंगे, फिर एल्केन लास्ट सब्स्टिट्यूटेड, लास्ट ई वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओल। तो इसका जो IUPAC परफॉर्मा होता था वो हमारे पास बन जाता था एल्केनॉल, एल्केनॉल, एल्केनॉल। क्यों, क्योंकि एल्कीन ई इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओल, तो IUPAC परफॉर्मा क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। तो हमारे कुछ फंक्शन ग्रुप है उनके लिए आपको ध्यान रखें, फंक्शन ग्रुप एल्कोहल का मतलब क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH फंक्शन ग्रुप नॉन एज एल्कोहल, और IUPAC परफॉर्मा एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब अगर एक कार्बन का अल्कोहल है तो एक कार्बन का एल्केन क्या बनेगा, मीथेन, तो मीथेन का ई सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑल, तो मीथेनॉल। 2 कार्बन के लिए इथेनॉल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बनेगा, 3 कार्बन की एल्केन क्या बनेगी, प्रोपेन, एंड प्रोपेन लास्ट ई सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा,
प्रोपेनॉल। अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर पोजीशन आ जाए ब्यूटेन वन ऑल ब्यूटेन टू ऑल, आपको याद आ रहा होगा कि ब्यूटेन वन ऑल ब्यूटेन टू ऑल आप कैसे बनाओगे, कि वन कार्बन पे OH है तो ब्यूटेन वन ऑल, और अगर सेकंड कार्बन पे OH है ब्यूटेन टू ऑल। एल्डिहाइड में क्या होता है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए हम क्या कहते हैं CHO, और यहाँ पे CHO को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, वैकेंट वैलेंसी कार्बन से अटैच होती है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं एल्केनल, एल्केनल बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ एल्डिहाइड में E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अल, जबकि यहाँ पे E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑल। एल्केनॉल मीन्स एल्कोहल, एल्केनल मीन्स एल्डिहाइड। कीटोन्स के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कीटोन के लिए जो ग्रुप होता है वो होता है CO ग्रुप। CO ग्रुप को अगर हम खोलें तो ये कीटो ग्रुप इस तरीके से आता है, इसमें बायवेलेंट वैलेंसी होती है और UPSC परफॉर्मा होगा एल्केनॉन। एल्केनॉन का मीन्स है कि E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओन, E इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑन, मतलब अगर मान लीजिए अच्छा सिंपलेस्ट कीटोन जो होगा वो 3 कार्बन का होगा, आप 2 कार्बन का कीटोन नहीं बना सकते क्योंकि इधर भी आपको CH3 जोड़ना है इधर भी CH3 जोड़ना है, तो मिनिमम जो कार्बन मतलब मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इज 3 और उसका नेम होगा प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, 4 कार्बन का आएगा तो ब्यूटीन, एंड लास्ट E इज सब्स्टिट्यूट बाय ओन ब्यूटीनॉन। साइनाइड अगर आ जाता है तो हम कहते हैं CN होता है साइनाइड के लिए, इसमें स्ट्रक्चरल C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, C और ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें क्या करते हैं कि नाइट्राइल लगा देते हैं एल्केन नाइट्राइल, E सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एल्केन नाइट्राइल। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, E को E रहने देना है, एल्केन नाइट्राइल लास्ट में क्या लगेगा नाइट्राइल। अगर आइसोसाइनाइड आ जाता है तो हम यहाँ पे NC होता है वैकेंट वैलेंसी अटैच विथ नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं N डबल बॉन्ड C और नाइट्रोजन से इधर की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं वही एल्केन आइसो वर्ड को यूज़ कर देंगे एल्केन आइसो नाइट्राइल, एल्केन आइसो नाइट्राइल। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, स्ट्रक्चरल फार्मूला C डबल बॉन्ड OH, ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का UPSC परफॉर्मा कैसे दिया जाता था एल्केनोइक एसिड, एल्केन से मतलब जितनी भी कार्बन है उनका सबसे पहले हम एल्केन बना लेंगे, एल्केन लास्ट ई सब्स्टिट्यूटेड बाय ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा एल्केनोइक एसिड। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बोक्सिल क्लोराइड, ये कार्बोक्सिल क्लोराइड है, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप इसको, मैं COCl सी डबल बॉन्ड OCl, ठीक है इसका UPSC नेम क्या होगा इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाने हो, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन के लिए क्या बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर मान लीजिए हमें इसको बनाना हो तो IUPAC परफॉर्मा हमारे को क्या होगा एल्केनॉयल क्लोराइड, मतलब इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑयल क्लोराइड, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑयल क्लोराइड, तो यहाँ पे IUPAC परफॉर्म हो जाएगा इसके लिए एल्केनॉयल क्लोराइड। एनहाइड्राइड, यहाँ पे क्या होता है एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की इंटरमीडियंस से जुड़े हुए होते हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप आर अटैच विद इंटरमीडियंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें IUPAC परफॉर्मा जो होता है वो एल्केनॉइक एनहाइड्राइड होता है, एल्केनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ईस्टर में क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ और वैकेंट वैलेंसी, एक वैकेंट वैलेंसी कार्बन से अटैच होती है और एक वैकेंट वैलेंसी वन ए वैकेंट वैलेंसी अटैच विथ ऑक्सीजन एंड अनदर वैकेंट वैलेंसी अटैच विथ कार्बन, 2 वैकेंट वैलेंसी आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसका IUPAC परफॉर्मा क्या होता है एल्केनॉइड। हमने जो ऑक्सीजन के पास होता है ऑक्सीजन से अटैच होता है उस ग्रुप को एल्काइल बोलते हैं, फिर जो जितने भी बचे हुए कार्बन होते हैं उनकी एल्केन बना के लास्ट ई सब्स्टिट्यूटेड बाय ओएच बनाते हैं ऑक्सीजन के पास जुड़ा हुआ एल्काइल, जैसे इथाइल इथेनॉइड मिथाइल प्रोपेनॉइड
इस तरीके से हम बनाते हैं। अमाइड्स में क्या होता है बेटा, अमाइड्स में सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू का ग्रुप होता है, अमाइड्स सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू। देखो आप देखना, कार्बोक्सिल क्लोराइड एनहाइड्राइड ईस्टर एंड अमाइड आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे ये डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। यानी अगर आपको पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव्स हैं, तो 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिल क्लोराइड एनहाइड्राइड ईस्टर और एमाइड। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं ई हटाते हैं, ई सब्स्टिट्यूट बाय एमाइड, तो ये हो जाएगा अल्कनामाइड, अल्कनामाइड, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। और इस तरीके से इसके बाद हम बात करते हैं एमीन्स की। एमीन्स में हमारे पास होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होता है, व्हेन 1 अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो हम एमीन्स होते क्या है, एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया को फॉर्मूला आपको पता है, NH3 होता है, एंड अगर हम NH3 के एक हाइड्रोजन को हटा दें और 1R ग्रुप लगा दूँ, तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री अमीन बन जाएगी, या प्राइमरी अमीन। व्हेन 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय 2R ग्रुप, तो 2 डिग्री हो जाएगा। व्हेन 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय 3, तो हम इसको ये कह सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1R ग्रुप हो गया, ये 1R ग्रुप। अगर मान लीजिए यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2R ग्रुप, तो ये 2 डिग्री अमीन। यानी 1 डिग्री अमीन में जो फंक्शन ग्रुप है वो NH2 है, जिसको हम एमिनो बोलते हैं। 2 डिग्री में जो बायवेलेंट इमिनो ग्रुप आ गया फंक्शन ग्रुप, इस NH2 का नेम है, फंक्शन ग्रुप का नेम एमिनो, बायवेलेंट NH को इमिनो बोलते हैं। 3 डिग्री में क्या हुआ कि ऑल 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय, तो इसको अपन बोलते हैं 1 नाइट्रोजन ये, और इस तरीके से बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रिलो। क्या बोलते हैं, नाइट्रिलो। तो ये हो गया एमिनो, ये हो गया इमिनो, ये हो गया नाइट्रिलो। तो इस तरीके से हमें इन फंक्शन ग्रुप्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें फंक्शन ग्रुप के बारे में पता होगा तब हम इसके बारे में आगे बातें करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना मस्ट है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना मस्ट है, जिससे हम इजीली उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हमारे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब हेलोजन अटैच होगा, एल्केन का मतलब एल्केन के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ, हेलो एरीन का मतलब हेलोजन अटैच होगा, एरीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ। तो आप देखिए, हेलो एल्केन को अपन कॉमन नेम जो है वो अल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन इज ऑल्सो नॉन एज अल्काइल हैलाइड, वाइल हेलो एरीन, एरीन मीन्स बेंजीन रिंग, इट ऑल्सो नॉन एज एरिल हैलाइड। हैलाइड मीन्स यहाँ पे कोई हेलोजन होगा, और हेलोजन कोई भी हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अल्काइल हैलाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R और X। यहाँ पे X जो है वो हैलोजन है, वो हैलोजन जो है वो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। R ग्रुप जो होता है वो अल्काइल ग्रुप है, अभी हमने थोड़े पीछे डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि अल्काइल ग्रुप बताए थे आपको, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इस टाइप के अल्काइल ग्रुप्स के। तो अपन कहते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो होते क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नॉन एज अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स, जैसे मान लीजिए RH है, RH को अपन क्या कहेंगे बेटा, एल्केन, और ये हैलोजन है X2, एक्स का मतलब यहाँ पे हैलोजन है। मान लो 1 हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस बाय हैलोजन, तो क्या बन जाएगा, R के साथ X आ जाएगा, H के साथ X बन जाएगा। तो हमने इसको क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि ये एल्केन है, और एल्केन के एल्केन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, देन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म, देन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म। इट मीन्स एल्किल हैलाइड इज द डेरिवेटिव, इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो अगर हमें एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन पूछे तो हम साफ कहेंगे इज द एल्किल हैलाइड इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कि अगर हम एल्केन के हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर दें हैलोजन से तो एल्किल हैलाइड बन जाएगी। इसी तरीके से हम एरिल हैलाइड के लिए क्या कहेंगे, इट इज़ द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन मीन्स आप देखिए ये C6H6 है हमारा, ये हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल रखा है, ये हमारी स्ट्रक्चर जो है वो है बेंजीन।
अगर इफ बेंजीन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हेलोजन, मान लीजिए हेलोजन से हटा दूं मैं, तो एक हाइड्रोजन एच के साथ चला जाएगा, एक एक्स के साथ चला जाएगा, और यहाँ बेंजीन की रिंग बन गई, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, एरिल। और एक्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। इन एल्काइल हैलाइड हेलोजन अटैच विथ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इन एरिल हैलाइड हेलोजन अटैच विथ बेंजीन रिंग। आप जानते हैं बेंजीन रिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, वाइल द एरिल हैलाइड्स या हेलोएरीन इज द डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स की, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स की, हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। तो हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है, है ना, दो टू बेसिस पे, ऑन टू बेसिस वी कैन क्लासिफाइड हेलोएल्केन्स। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन नंबर के एटम्स के नंबर्स के बेस पर। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए 1 हेलोजन है तो उसको मोनो एल्काइल हैलाइड कहेंगे, मोनो हैलाइड्स। इफ 2 हेलोजन है तो डाई हैलाइड, 3 हेलोजन है तो ट्राई हैलाइड, 4 हेलोजन है तो टेट्रा हैलाइड्स। 4 से ज़्यादा हो नहीं सकते बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज हाइएस्ट, मैक्सिमम 4। तो सबसे पहले है मोनो हैलाइड्स, मोनो हैलाइड्स को हम क्या कहेंगे, ओनली 1 हेलोजन इज प्रेजेंट। मोनो हैलाइड्स मीन्स ओनली 1 हैलोजन इज प्रेजेंट। इसको हम तीन टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। आपको याद आ रहा होगा कि एल्काइल हैलाइड तो है, हेलोएल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, कि हेलोजन अटैच्ड ऑन 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, विच इज अटैच विथ 1 कार्बन। तो अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। इफ हाइड्रोजन अटैच ऑन 2 डिग्री कार्बन तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। इफ हेलोजन सॉरी हेलोजन अटैच ऑन 2 डिग्री कार्बन, इफ हेलोजन अटैच ऑन 3 डिग्री कार्बन तो वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो हेलोजन है, हेलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एक होगा। यहाँ क्लोरीन है, वो कौन से कार्बन पर अटैच है, 2 डिग्री पर है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। मोनो ही है बिकॉज नंबर ऑफ हेलोजन तो सब में 1 है, बट द पोजीशन जो अटैचमेंट की पोजीशन है वो अलग अलग है, वो 1 डिग्री कार्बन पे है, 2 डिग्री कार्बन पे है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, वैन हेलोजन अटैच ऑन 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो अपन कह सकते हैं इट इज 3 डिग्री कार्बन, इट इज 2 डिग्री कार्बन, इट इज 1 डिग्री कार्बन। तो मोनो हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको अपन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मीन्स 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बिकॉज हेलोजन अटैच्ड ऑन 2 डिग्री कार्बन। इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड हेलोजन अटैच्ड ऑन 3 डिग्री कार्बन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद हम बात करते हैं डाई हैलाइड्स की। ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है, डाई हैलाइड्स मीन्स दोज हैलाइड्स विच हैव टू हैलोजन्स, विच हैव टू हैलोजन्स मीन्स टू हैलोजन्स आर प्रेजेंट, दोज हेलोजन डेरिवेटिव विच हैव टू हेलोजन आर प्रेजेंट नॉन एज डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स की 2 टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेम डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डाई हैलाइड्स मीन्स टू हेलोजन्स आर प्रेजेंट, टू हेलोजन्स प्रेजेंट, एंड इट इज डाई हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, जेम डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, इफ बोथ हैलोजन, ध्यान से देखना, इफ बोथ हैलोजन अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो तो इट इज नॉन एज जेम डाइहैलाइड, एंड इफ बोथ हैलोजन अटैच्ड ऑन नियरेस्ट कार्बन, इफ बोथ हैलोजन अटैच्ड ऑन नियरेस्ट कार्बन देन इट इज नॉन एज विसिनल डाइहैलाइड। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाले फर्स्ट में जेम डाइहैलाइड में देखिए CH3CH2, और यहाँ पे 2 वैकेंट वैलेंसी, यहाँ पे आपने एक हेलोजन लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे भी लगा दिया, तो आपने देखा बोथ क्लोरीन आर अटैच्ड ऑन 1 कार्बन, दोनों हेलोजन, बोथ हेलोजन आर अटैच्ड ऑन सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन पे है। यहाँ पे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि CH3CCH3 यहाँ एक Cl लगा दें, एक Cl यहाँ लगा दें, तो दोनों हेलोजन कहाँ है, एक ही कार्बन पे है बोथ हेलोजन। तो व्हेन बोथ हेलोजन आर अटैच्ड ऑन 1 कार्बन तो हम उसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, व्हेन बोथ हेलोजन अटैच्ड ऑन
नियरेस्ट कार्बन, आप यहाँ देखिए ये फर्स्ट कार्बन पे था वन नंबर पे, ये टू नंबर पे आ गया, यहाँ पे देखिए ब्रोमो आ गया, यहाँ पे क्लोरो आ गया, तो दोनों क्या हो गया नियरेस्ट कार्बन पे आए. तो व्हेन बोथ हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन या अटैच्ड ऑन नियरेस्ट कार्बन देन इट इज एग्जांपल ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स. और अगर वो मान लीजिए एल्काइल हैलाइड जो है वो किस पर अटैच्ड हैं, एक ही कार्बन पर अटैच्ड है तो हम उसको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड्स. उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आता है ट्राई हैलाइड्स. ट्राई हैलाइड्स का मतलब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ट्राई हैलाइड्स मीन्स थ्री हैलोजन्स आर प्रेजेंट, थ्री हैलोजन्स आर प्रेजेंट. कितने हैलोजन होंगे, थ्री हैलोजन. कभी नाम सुना होगा आपने क्लोरोफॉर्म, देखिए एक ही कार्बन पे तीन क्लोरीन लगा दिया मैंने, तीन क्लोरीन CHCl3, ठीक है. यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे थ्री हैलोजन अटैच ऑन कार्बन. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल नाम सुना होगा आइडोफॉर्म, है ना. आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, काफ़ी बार आएगा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे. यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, CHI3, और इसको हम क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म. क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म. तो एक हो गया क्लोरोफॉर्म, दूसरा हो गया आयोडोफॉर्म. तो ट्राईहैलाइड्स मतलब थ्री हैलोजन्स आर अटैच्ड. टेट्राहैलाइड्स की हम बात करें तो टेट्राहैलाइड्स का मतलब फोर हैलोजन अटैच्ड. नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने होंगे, फोर. नंबर ऑफ हैलोजन्स इक्वल्स टू फोर. तो अब ये फोर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास है CCl4. CCl4 में देखिए आप, यहाँ पे ऑल फोर हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, CCl4 बन गया CCl4, और उसको हम कहते हैं क्या है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन जो था वो कंप्लीट हुआ. पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम एल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन फोर टाइप, मोनो एल्काइल हैलाइड या मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड्स. तो मोनो हैलाइड्स में तीन टाइप थी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व्हेन वन हैलोजन अटैच्ड ऑन वन डिग्री कार्बन देन इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, व्हेन हैलोजन अटैच्ड ऑन टू डिग्री कार्बन देन इट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, व्हेन हैलोजन अटैच ऑन थ्री डिग्री कार्बन इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, जैम डाइल. उसके बाद हम बात कर रहे थे डाईहैलाइड्स की, डाईहैलाइड्स में व्हेन टू हैलोजन आर प्रेजेंट नॉन एज डाईहैलाइड्स. डाईहैलाइड्स आर टाइप क्लासिफाइड इन टू टाइप, जैम डाईहैलाइड एंड विसिनल डाईहैलाइड. इन जैम डाईहैलाइड बोथ हैलोजन्स आर अटैच ऑन सिंगल कार्बन, वाइल इन विसिनल डाईहैलाइड बोथ हैलोजन आर अटैच ऑन नियरेस्ट कार्बन, ठीक है. उसके बाद हमारे ट्राईहैलाइड्स आ गए, थ्री हैलोजन आर अटैच्ड. टेट्राहैलाइड्स में नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना होगा, फोर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड ऑन विच कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, कि हैलोजन जो है वो किस कार्बन पे अटैच्ड है. याद रखना कि दो, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच्ड हो हैलोजन, हो सकता है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच्ड हो. तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि किस टाइप के कंपाउंड बन सकता है. हो सकता है वो sp हाइब्रिडाइज कंपाउंड पे हो. तो हमारा जो सबसे पहला होता है कि व्हेन हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कि पहली कंडीशन है कि साहब व्हेन हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज. अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, जिसके पास सारी तरफ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो ही नहीं. जैसे फर्स्ट आया एल्काइल हैलाइड CH3Cl है, आप CH3Cl का स्ट्रक्चर बनाएंगे HCCHCl. तो यहाँ पे इस कार्बन पे देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 4 है. तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3. तो sp3 कार्बन पे तो व्हेन हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 कार्बन, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है एल्काइल हैलाइड, चाहे वो मोनो एल्काइल हैलाइड हो या डाई एल्काइल हैलाइड हो या ट्राई एल्काइल हैलाइड हो. सेकंड है हमारा एलाइलिक एलाइड. आपको हमने एलिल बताया था, एलिल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCH2, वैकेंट वैलेंसी CL पे लगा दी. आप देखिए ये जो CL जिस पे अटैच्ड है वो इस कार्बन पे अटैच्ड है, और इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3. तो अपन इसको भी कह सकते हैं sp3. यहाँ पे देखिए आप एलिल, ये एलिल है 1, 2 वैकेंट वैलेंसी, और ये वैकेंट वैलेंसी और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. आप इधर देखिए वैकेंट वैलेंसी, डबल बॉन्ड और वैकेंट वैलेंसी अल्टरनेट पोजीशन, और इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है. इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइल हो गया,
बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसके बाद में हम इसका मतलब क्या हुआ कि वेन हेलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके तीन एग्जांपल है एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद आता है कि वेन हेलोजन अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हमारे पास जो एग्जांपल है वो देखिए विनाइल हैलाइड्स। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH वैकेंट वैलेंसी को हम विनाइल कहते हैं। एक्स जो आ गया वो इस कार्बन पे अटैच्ड हुआ। अब आप देखिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है तो उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3 होगा, sp होगा, और अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो भी sp होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो x हैलोजन इस पर अटैच है। यहाँ पे आप x देखिए, हैलोजन जो है वो बेंजीन की रिंग पर अटैच है, और आपको पता है कि बेंजीन की रिंग प्लेनर रिंग होती है, वो हर कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होता है, sp2। तो हमने इस बेस पर कितने क्लासिफिकेशन करे, 5 क्लासिफिकेशन किए, कि सबसे पहला हमारा एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, इन तीनों में हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, बट इन विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स हैलोजन अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसको मैं आपको एक बार वापस बता सकता हूँ, ठीक है, आप इस बार वापस देखें इसमें। ये देखिए आप सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड में देखिए आप सबसे पहले हमने कहा ये हमारा CH3 CH2 CH2 था, दूसरी कंडीशन में ये हमारा CH3 CH CH3 वैकेंट वैलेंसी थी, तीसरे एग्जांपल में देखिए CH3 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 और वैकेंट वैलेंसी थी। अब आप देखिए एल्काइल, ये तीनों एल्काइल हैलाइड्स हैं, यहाँ पर मैं जो हैलोजन को अटैच कर रहा हूँ वो कार्बन, आप देखिए ये 1 डिग्री मिथ, पहली बात तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है, इट मीन्स इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। सेकेंड कंडीशन में आप देखिए मैंने जो हैलोजन है वो अटैच किया है 2 डिग्री कार्बन पे, लेकिन वो जो 2 डिग्री कार्बन है उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा कि हैलोजन जो होंगे, हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैलोजन क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन पे है, बट वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या हुआ, हैलोजन अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। फिर हमारे पास सेकंड आया था एग्जांपल एलाइलिक हैलाइड्स, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एलाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एलाइल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 वैकेंट वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 वैकेंट वैलेंसी, और जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ अटैच होगा, वैकेंट वैलेंसी पे, ये इस वैकेंट वैलेंसी पे अटैच होगा। अब आप देखिए वैकेंट वैलेंसी, हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा होगा, sp2 होगा, और यहाँ पे कैसा होगा, sp2 होगा। लेकिन हमारा जो हैलोजन है वो किससे अटैच है, इस कार्बन से, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो गया। इसी तरीके से हम बेंजाइलिक की बात करें तो बेंजाइलिक का हमारा जो स्ट्रक्चर हो रहा था, बेंजाइल ग्रुप हमें बनाना पड़ेगा, और उस बेंजाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर था वो हमारा इस तरीके से था कि यहाँ से CH2 वैकेंट वैलेंसी, हमें जो हैलोजन था वो यहाँ नहीं जोड़ना, हैलोजन बेंजीन के रिंग पे नहीं जोड़ना, कार्बन पे जोड़ना है, हमने हैलोजन इस पे जोड़ा, और इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कैसा था, sp3, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विनाइल हैलाइड की। विनाइल हैलाइड्स में फर्स्ट आपको विनाइल का स्ट्रक्चर बनाओ, विनाइल का स्ट्रक्चर आपने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH वैकेंट वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH वैकेंट वैलेंसी। आप खुद देखें इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से अटैच है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2, इस पे भी sp2, यहाँ अटैच करना है हमने हैलोजन, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हमारा जो हैलोजन अटैच हुआ है वो कौन से पे हुआ है, sp2 पे हुआ है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल एरिल हैलाइड्स, नाम से ही पता चल रहा है, एरिल मीन्स हैलोजन अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग के अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, और इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ हैलोजन को अटैच किया है। यहाँ हैलोजन को अटैच करने पर ये वाला जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, sp2 पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हैलोजन ऑन कार्बन एटम, कि वो किस टाइप के कार्बन एटम पर अटैच है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर अटैच है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर अटैच है, इसके बेस पर हमारे पास 2 अलग अलग टाइप्स हो जाती थी। एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, एलाइलिक हैलाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, बेंजाइलिक हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, विनाइल हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, एरिल हैलाइड्स
ये हमारा एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड में हैलोजन अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन है, दो टाइप का क्लासिफिकेशन था, एक था ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हैलोजन एटम और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन विच इज अटैच्ड ऑन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मे बी sp3 और sp2 किसी पे भी अटैच हो सकता है। अब हम इसके बाद में नोमेनक्लेचर्स की बात करेंगे इस वीडियो के, इसके बाद हम नॉमन क्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे।